Yes, we are live on YouTube, coming closer to the master. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबको कहीं ना कहीं लगता है कि कैसे हम गुरुदेव के और करीब पहुंचे, कैसे उनके इनर सर्कल में जाए, कैसे ऐसा हो कि हम गुरुदेव से हर वक्त एक कनेक्शन महसूस करें और स्ट्रॉन्ग। और आज यही डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ सचिन भैया है। देखिए, एक जो होता है डिवोटी, जो कि गुरुदेव के साथ कनेक्टेड रहता है और उसकी लाइफ बदली हुई रहती है, लेकिन एक होता है वो टीचर जो उन्हें गुरुदेव से इंट्रोड्यूस कराता है। तो सबसे पहला जब मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया तो जो मेरे टीचर थे वो सचिन भैया ही थे। और अगर टीचर स्ट्रांग हो बहुत ज्यादा तो स्टूडेंट भी वैसा ही निकलता है। तो सचिन भैया ने इतना इंस्पायर किया, इतना इंस्पायर किया, इतना इंस्पायर किया कि मुझे लगा कि अब तो पूरे दम लगा के 100% होके कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसे भी दिन याद है मुझको कि सचिन भैया बोलते थे कि अभिषेक तुम ही देखो, तुम ही पूरा का पूरा स्टार्टिंग में योगा लो, सबको बुलाओ, सब चीज करो। हर तरीके से हर पॉइंट में ट्रेन किया सचिन भैया ने मुझे। और ऐसे ऐसे कैसा एक आर्ट ऑफ लिविंग का पिक्चर दिखाया मुझे, तो मुझे एक बड़ा दृष्टिकोण मिला कि कुछ करें आगे चल के। एंड इतनी खुशी हो रही है आज की जो फर्स्ट टीचर जिन्होंने सुदर्शन क्रिया गुरुदेव की इंट्रोड्यूस कराई मेरे लाइफ में, वो आज साथ में है। सचिन भैया बहुत लोगों को इंस्पायर किया सचिन भैया ने। और हर वक्त रात के 12 बजे हो चाहे रात के 1 बजे हो, ये ऐसे जन है जिन्हें मैं कंफर्टेबली कॉल कर सकता हूँ और अपनी जो भी बातें हैं बता सकता हूँ। एंड ही सर ही सो अप्रोचेबल एंड टुडे ही इज हियर विद अस। सचिन भैया का इंट्रोडक्शन तो मैंने ये एक मेरे पर्सपेक्टिव से पहले दे दिया, एक और इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। उससे पहले इसका पर्पस बताऊं, ये सेशन का जो लोग डेली डेली सुनते हैं उनको तो पता चल चुका है, लेकिन आप ये दोबारा सुन लो क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि एक बार में समझ आ जाए। इसका पर्पस ये है कि जो भी ये सेशन देखे, चाहे वो रास्ते पे बैठ के देखे, चाहे वो ट्रेन में देखे, चाहे वो कूलर के सामने बैठ के देखे, एसी में देखे, गर्मी के मौसम में कहीं दूसरे कंट्री में धूप में बैठ के देखे, कहीं पे भी देखे, हर परिस्थिति में ये सेशन की ये ताकत है कि आपके चेहरे पर स्माइल ले आए। दूसरा, अगर मान लो आप गलती से दूसरा सेशन देख लेते हो सतवा टॉक्स का, तीसरा सेशन देख लेते हो, ऐसे आप पहला देखोगे आज का सेशन तो दूसरा तीसरा देख ही लेते हो ना, एक वो रहता है, ये सेशन में कृपा रहती है मेरे हाथ में कुछ, ये सब गुरुदेव के थ्रू जब उनके डिबोटी गाते हैं तो कुछ ना कुछ तो बदलता है, तो आपकी लाइफ धीरे धीरे सेलिब्रेशन बनने लग जाती है। तीसरी चीज, आप खुद सेलिब्रेट कर रहे हो, यही तक नहीं आप औरों को भी सेलिब्रेट करने पे मजबूर करते हो, औरों के जीवन में खुशियां लेके आते हो, ढेर सारे, इतनी सी नहीं ढेर सारे। और यही गुरुदेव का विजन है कि एक स्ट्रेस फ्री वायलेंस फ्री सोसाइटी क्रिएट करना, गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बनाया हुआ है। और उसको लेके डेली 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 आप तो देख ही रहे हो, हम लोग डेली आ रहे हैं, डेली किसी ना किसी तरीके से चाहते हैं कि इस कन्वर्सेशन के दौरान आप अपलिफ्ट हो जाए। एंड सचिन भैया के बारे में बताने जाऊं, एक इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले दे दिया है, तो सचिन भैया आर्ट ऑफ लिविंग के एक जबरदस्त टीचर हैं। कितने जबरदस्त है वो आप एक बार, कभी आपको मौका मिलेगा आप उनके साथ कोई कोर्स करना तो पता लगेगा, इंस्पायर कर देते हैं पूरी तरीके से। और करीब 2 साल कर, यस करीब 2 दशक हो गए आर्ट ऑफ लिविंग में, करीब 13 साल से टीच कर रहे आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम्स। लॉकडाउन के दौरान 1100 से भी ज्यादा लोगों को गुरुदेव से जोड़ा, 500 तो पुलिस वाले थे। एंड ही हैज हेल्प इन मेकिंग लाइफ ऑफ नंबर ऑफ यूथ बाय आर्ट ऑफ लिविंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स। मेनी स्टूडेंट्स ऑफ सचिन भैया आर इन गवर्नमेंट हायर पोजिशन इन एमएनसीज एंड मेनी आर गुड एंटरप्रेनर्स। ही टेक्स कंटिन्यूसली कोर्सेज मोस्टली एवरी मंथ एंड इट्स ही इज डूइंग इट ओवर अ डेकेड नाउ।
is involved directly and indirectly in most of the projects of Art of Living. He is an inspiring speaker. He runs 3 business at a time, Angel Enterprises, expert in positive aura energy enhancer products. He is an EDP coach in colleges, NSDC certified yoga instructor, or एक जो इंट्रोडक्शन जो सबसे बड़ा वो ये है कि ही इज एक ऐसे टीचर है जो गुरुदेव रात में बोल दिए कि सचिन इधर आ जाओ तो सचिन भैया उधर चले जाएंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस. कब किसी भी टाइम सेवा के लिए कुछ भी हो जाता है तो सचिन भैया अवेलेबल होते हैं. बाकी सबको कॉल करना है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस टाइम में कैसे कॉल करूं, क्या हो रहा होगा, ये होगा. सचिन भैया सो अप्रोचेबल. एंड सचिन भैया, आज का जो हमने विषय चुना है वो है कमिंग क्लोजर टू द मास्टर. सचिन भैया, बोलने को तो बहुत सारे डिवोटीज है आर्ट ऑफ लिविंग में, सब लोग हमें दिखते हैं, ये है, लेकिन वो एक कनेक्शन, वो एक क्लोजनेस कैसे बनाया जाए गुरु गुरु के साथ, वो उस जगह पे आप बताइए कि कैसे ये पॉसिबल होता भी है, क्योंकि हम थोड़े से हर वक्त कनेक्शन में रहे. अनम्यूट अनम्यूट. जय गुरुदेव. मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज है क्लियर? यस यस सचिन, एकदम क्लियर. वाओ ग्रेट. या तो पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू माय डियरेस्ट फ्रेंड अभिषेक, कि जिसने ये 2-3 साल से लॉकडाउन से कंटिन्यूसली चालू रखा है. दैट्स ग्रेट कमिटमेंट. हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम कि रेगुलर हर रिन ये 9-10 हो गए तो शुरू करना ही है, मतलब करना ही है और शुरू हो जाता है. और मैं जस्ट देख रहा था कल तो 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हुए सत्वा टाउस के जस्ट 2-3 साल में. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. हैट्स ऑफ टू यू. हैट्स ऑफ टू यू. ये आपकी कमिटमेंट है, ये लगन है और वो भी गुरुदेव का कनेक्शन जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं. इट्स अमेजिंग ना. या तो जैसे ये अपना आज का सब्जेक्ट भैया ने तो बता दिया, कम क्लोजर टू मास्टर. या तो बताओ यहाँ पे जो भी अभी हम लोग है जूम पे, तो वो तो जैसे हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं ना एक दूसरे के साथ. या तो yes. ये बताओ कितने लोग गुरुदेव से एकदम क्लोज जाना चाहते हैं? कितने लोग? ओके, आधा जाना है क्या पूरा जाना है? पूरा ना, तो पूरा तो खड़ा कर सकते हैं ना. ये अल्लाह बारी. ओके ओके, तो अगेन सेकंड क्वेश्चन, क्यों क्यों जाना है कम क्लोज टू मास्टर पर, क्यों जाना है बताओ. हाँ, कोई आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो. हाँ, चैट बॉक्स पता है ना वो, तो चैट बॉक्स में, चलो आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, क्यों जाना है गुरुदेव के नजदीक. वाह, उनके प्रति बहुत ही प्रेम है और गुरु बिना गति नहीं, इसलिए. ओ वाओ ग्रेट. गुरु बिना गति नहीं. या ग्रेट. टू बी इन हिज ग्रेस. ओ वाओ अभिषेक. या ग्रेट 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 ग्रेट. गुरु बिना गति नहीं, इसलिए गुरुदेव के क्लोज जाना है. तो ये जो जितना सेशन चलेगा, सेशन में तो वो बहुत अच्छा लगता है. या दीदी, या सच में अच्छा लगता है. ओ गाना भी सुना होगा ना, अच्छा लगता है प्यार का सपना, वैसा अच्छा लगता है गुरु के साथ जीना. हर बूंद को सागर की तलाश हो जाती है यार. राइट, एग्जैक्टली. तो सबसे पहले पता है ना, हाँ छोटे छोटे टिप्स तो हम सुनेंगे, और सबसे 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 जरूरी टिप्स क्या है पता है? मान लो कि आप गुरु से बहुत कनेक्टेड हो, टू स्प्रेड मोर हैप्पीनेस. या पूजा जी ग्रेट. जिस पल आप मान लेते हो कि मैं आई एम वेरी क्लोज टू माय मास्टर, आई एम वेरी क्लोज टू माय गुरुदेव, बस वो जर्नी एक्सपोनेंशियली शुरू हो जाती है.
मैं सोचूंगा मुझे गुरु जी के क्लोज जाना है, 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 सिर्फ सोचते बैठने से नहीं होगा। उसी क्षण मान लो कि मैं गुरुदेव से कनेक्ट हूँ, गुरुदेव से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हूँ, गुरुदेव से वेरी क्लोज हूँ। आज अभी जस्ट गुरुदेव यूरोप में जा रहे थे, पता नहीं कितने लोगों ने वो एक छोटा सा वीडियो देखा, जो सारे ग्रुप में तो पब्लिश हो चुका था, यूट्यूब में भी आया था। गुरुदेव जब जा रहे थे तो गुरुदेव से पूछा, क्या गुरुदेव आप यूरोप जा रहे हो इतने दिन, तो हमें मिस करोगे? तो गुरुदेव ने क्या कहा, सुना ना क्या कहा, अरे मैं तो आपके साथ हूं तो आपको मिस कैसे कर सकता हूँ, समझ में आ रही बात। तो गुरुदेव एवरी मोमेंट, हर पल हर क्षण आप जहां भी हो ना वहां गुरुदेव है। पता है मैं तो, मैं जैसी लाइफ जी रहा ना, मेरे लिए तो मेरी माय एवरी ब्रेथ इज माय गुरु। हर एक सांस में मेरे गुरु को, गुरु जी को, मैं गुरुदेव को महसूस करता हूँ। क्या पता अगली आने वाली सांस में ले पाऊंगा, यू नेवर नो। मैं आप क्या पता अगली सांस हम ले पाएंगे कि ये भी हमें पता नहीं है। तो हर एक सांस में वो गुरु का मैं पता ना वो प्रेजेंस महसूस करता हूँ। एवरी मोमेंट एवरी, मतलब बोलते ना एक सेकंड के भी कहीं सारे भाग करो तो बोलता पल, तो हर पल में वो गुरुदेव को महसूस करने का मौका है। और जब वो महसूस करते हैं ना तो वो फिर जिंदगी, तो फिर उसके बढ़िया, उससे बढ़िया तो कोई जिंदगी ही नहीं। दैट्स ग्रेट ग्रेट, इट्स अमेजिंग लाइफ इन आवर, मतलब ना जिंदगी दुनिया में हमने, जैसे कि कुछ साल पुरानी बात है, मेरा अबाउट मेरे ख्याल से 2002 या 2003 की बात है। ऐसे में यहाँ पे पुणे में शत्रुंजय टेम्पल था, मैं मेरे ऐसे जस्ट कॉलेज के फ्रेंड्स थे, मेडिकल कॉलेज कुछ दो तीन फ्रेंड्स थे, ऐसे देखे गया था। जस्ट तब एडवांस कोर्स शुरू था, एडवांस कोर्स के सेकंड लास्ट डे बहुत बढ़िया सत्संग होता है ना, सैटरडे के सत्संग को हम गए थे। तो मेरे एक फ्रेंड है ना, जो थोड़ा सा अपसेट थी, ऐसे अपसेट बैठी थी, और वो उसी समय कुछ फॉरेनर्स भी वगैरह वहाँ पे आए थे, गुरुदेव के बहुत बहुत कड़े भक्त थे। और जस्ट उन्होंने देखा ये थोड़ा अपसेट है, तो जाके उस, तो मतलब मेरे सामने बैठा था, उन्होंने भाई आर यू अपसेट, उन्होंने क्या कहा पता है, आप इतना अपसेट क्यों बैठे हो? हमें जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुना, सुन रहे हो ना सब? यस क्या ओके सब होना यहाँ पे या ओके। तो पता है उन्होंने क्या कहा, आप अपसेट क्यों, जब इस दुनिया में कई सारे कीड़े मकोड़े का जन्म हुआ है, कीड़े मकोड़े जंतुओं का जन्म हुआ है, उस समय आपको इंसान का जन्म मिला, कितने भाग्य की बात है ना, तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। उस समय आपको इंसान का जन्म मिला, सेकंड सेंटेंस देखो उनका क्या था, वो भी इंसान का जन्म मिला तो मिला कहाँ पे, ऐसे ग्रेट मातृभूमि, ऐसे ग्रेट भारत देश में जहां संतों की भूमि कहा जाता है, उस भारत देश में आपका जन्म हुआ, फिर आप क्यों ऐसे मुंह लटका के बैठे हो? उससे आगे का स्टेप्स क्या बताया पता है उन्होंने, हुआ तो हुआ, आपके भारत में आपका जन्म हुआ, उस भारत में जहां शिव पार्वती और कृष्ण का एक साथ अवतार हुआ है, शिव पार्वती और कृष्ण का एक साथ अवतार हुआ है, वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ आप कनेक्ट हो, उनके भक्त हो, और इस तरह आप अपसेट कैसे हो सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल। ये एक फॉरेनर इंडिया में आके हमें सिखा रहा है। तो पूरी दुनिया आज आपको पता है ना कितने देशों में आर्ट ऑफ लिविंग फैला हुआ है, 170 कंट्रीज, 170 देशों तक हम पहुंचे हुए हैं जस्ट इन 40 साल में, 170 देशों में पहुंचा, इट्स द बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड। पता है वो हमें प्राउड फील के साथ बोलना आना चाहिए, कौन सा कौन है ऐसा दुनिया में एट अ टाइम 23 से भी ज्यादा डॉक्टरेट जिसको मिले हो, ओनली एंड ओनली श्री श्री रविशंकर अपने गुरुदेव। अभी भी जब स्पेन में गए अभी भी उनको डॉक्टरेट मिला, कई कंट्रीज में ग्रेट सिविलियन अवार्ड्स, ऐसे गुरु को हम पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है उसमें, वी हैव लाइव गुरु इन अवर लाइफ, मेरी बात, वी हैव लाइव गुरु इन अवर लाइफ, जिसके साथ हम बात कर सकते हैं, जिसके साथ आप आपके स्ट्रेस जो भी चिंता बता सब डिस्कस कर सकते हो। ऐसा गुरु किसी को मिला है क्या? तो आप कितने भाग्यशाली हो ये पहले देखो। तो एवरी मोमेंट हमें ये महसूस करना है, वी आर सो मच फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड। अगर मेरा पहला सीवी अगर आप देखोगे ना, मैंने जो रेज्यूम बनाया था आर्ट ऑफ मतलब अपना
जॉब के लिए जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो पता है उसमें क्या था, और उस सेंटेंस में मुझे जॉब मिला था, वो भी एम्बेडेड में मुझे जॉब मिला, जिसका मैंने कोई कोर्सेस नहीं किया था। मेरे सारे फ्रेंड्स ने एम्बेडेड के 60,000 भर के कोर्सेस किए, मेरे पास तो पैसा नहीं था तो मैं वो कर नहीं पाया, फिर भी मुझे वो एम्बेडेड का कोर्सेस ना करते वो जॉब मिला, जिसके को एक सेंटेंस क्या था पता है, वो प्राउड फील के साथ मैंने वो सेंटेंस लिखा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, आई एम द वॉलेंटियर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग विच इज द बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक स्वयं सेवक हूँ। आज पता है ना कई सारी कंपनियां, अगर एमएनसी में भी देखोगे आप आर्ट ऑफ लिविंग के हो तो आपके 3 grades ज्यादा बढ़ते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अपना गुरु सिर्फ आपको ध्यान योगा नहीं सिखा रहा माय डियर, सिर्फ बैठो ध्यान करो ओंकार करो भजन करो ये नहीं, अपना गुरु आपको हर एक चीज दे रहा है जो दुनिया में आपके जीवन जीने के लिए जरूरत है। हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं, यहाँ पे जीवन जीने की कला सीखते हैं, समझा नहीं बात। ये कहते हैं ना कि अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लिविंग, अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लिविंग, एंड स्माइलिंग इन एवरी सिचुएशन इज आर्ट ऑफ लिविंग। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, हर सिचुएशन में अगर आप मुस्कुराना सीख गए ना सॉल्यूशन वहीं पे आ गया, स्माइल एंड साइलेंस। इसलिए कहते हैं ना अभी हर 6 महीने के बाद एडवांस कोर्स करो, वो साइलेंस में जाए हम तो अपनी वो शक्ति को पहचान सकते हैं। और मुस्कान अंदर से है, वो बिना शर्त की, कोई जोक करेगा तो मैं हंसूंगा तो फिर क्या फायदा है, बिना शर्त की मुस्कान हो। ये तो मैंने पिछले बार भी जब आया था तब भी मैंने ये बताया था शायद, फिर भी दोहरा रहा हूँ। व्हाट इज अ स्माइल, स्माइल का स्पेलिंग किसी को पता है, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। व्हाट इज अ स्माइल, स्माइल का स्पेलिंग बताओ, स्माइल का स्पेलिंग क्या है, क्या है स्माइल का स्पेलिंग, एस एम आई एल ई, या स्माइल का स्पेलिंग है एस एम आई एल ई। एस माने क्या, सी देखना, एम माने मिरेकल चमत्कार, आई माने इन अंदर, एल माने लाइफ जीवन, ई माने एवरीडे। वन व्हाट इज अ स्माइल, सी मिरेकल इन लाइफ एवरीडे। अपने जीवन में अगर चमत्कार देखना चाहते हो ना तो मुस्कुराना सीख लो। और ये मुस्कान कब आएगी, जब सेवा सत्संग साधना अपने आप होगा। अपनी लाइफस्टाइल अगर सेवा सत्संग साधना बन जाए ना तो फोर्थ ईयर आ जाता है स्माइल, और फिर उसके इसके लिए जरूरत क्या है, सदगुरु, लाइव सदगुरु, और वो आ गया तो फिर जिंदगी तो बढ़िया ही बढ़िया, बराबर ना। यस कर सकते हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डिवोटी बहुत जल्दी बन जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले वो सेवा छूटती है, फिर सत्संग छूटता है, फिर धीरे 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 साधना भी छूट जाती है, गुरुदेव से दूर होने लग जाते हैं। इस सेवा साधना सत्संग का क्या इम्पोर्टेंस है गुरुदेव के क्लोज आने के लिए? ओह वाओ ग्रेट, दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। देखो ये पहले याद रखो कि कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, आपका जॉब रिलेटेड हो, आपकी फैमिली रिलेटेड हो, या आप सेवा सत्संग साधना जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, सबसे जीवन चलता है कमिटमेंट से। अगर आपने पतंजलि योग सूत्र सुना होगा तो डिसिप्लिन कमिटमेंट, तो कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए अपनी। वो सलमान खान का डायलॉग पता होगा ना, किसी को पता है सलमान खान का डायलॉग क्या था, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, पता नहीं याद है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट की तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ऐसी कमिटमेंट अगर आपकी हो ना तो लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हो। हजार विकल्प भी आ जाए तो आपके एक संकल्प को हिला ना सके, दैट्स योर कमिटमेंट। लाइफ में सबसे पहले क्या करना है, एक संकल्प लो कि मुझे क्या करना है। जब आप संकल्प लोगे तो आगे बढ़ पाओगे। जैसे अभिषेक भैया ने पूछा और सेवा सत्संग साधना, जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग में आ गए पहले, जैसे कि एज एग्जाम्पल, हाँ चलो यहीं पे है एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल देखो ये पिरामिड आपको दिख रहा है, क्या है पता है ना, दिख रहा है आपको, दिस इज अ पिरामिड। ये जो है ना लाइफस्टाइल जो है ना अपना पिरामिड के जैसी है। हम देखते हैं ना दुनिया में सारे लोग सक्सेस है क्या, पूरी दुनिया सक्सेसफुल है,
पूरी दुनिया हैप्पीएस्ट है, पूरी दुनिया टॉप लेवल पे है, नहीं ना, कुछ ही लोग टॉप लेवल पे, कुछ ही लोग रिचेस्ट है, कुछ ही लोग खुश है, कुछ ही लोगों के जीवन में अबंडेंस है, वो खुशियां है। तो ये जो जनरली आप देखोगे ना, ये जो बॉटम दिख रहा है ना आपको, ये बॉटम, ये जनरल पब्लिक है। हम रेगुलर लाइफ में देखते ना, यहाँ वहां भटकते रह रहे जनरल पब्लिक, दैट जनरल पब्लिक, यहाँ वहां भटकते रहते हैं ये। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं हम फंसते रहते हैं। जब जनरल लाइफ में रहता है, तो हम जब आप जनरल लाइफ में होते हैं, तो जनरल लाइफ में होते हैं तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं। कहाँ पे फंसते हैं? अरे हाँ, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने वैसे किया, होता है कि नहीं अपने लाइफ में? होता है। तो बैठ गए, पहुंच के किस में अटक गए? व्यक्ति में अटक गए। फिर अरे वो सिचुएशन कंपनी में कुछ, आपके ऑफिस में कुछ हो गया हो, या आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, कहीं पे भी कुछ हो गया, अरे वो वक्त खराब था, मेरे लाइफ में ऐसा है, मेरा नसीब खराब है, ये है वो है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति छोटी छोटी, मुझे ये, अरे उसके पास देखो कितनी बढ़िया गाड़ी है, उसके पास ये, मुझके पास ये, मेरे पास ये नहीं, मैं नहीं, वो नहीं, कंप्लेंटिंग सुबह में आने लगते हैं। तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, ये जो तीन चीजें, ऐसे बाहरी दुनिया में हम फंसते रहते हैं। और ये बाहरी दुनिया में फंसे लोग है ना, ये यहीं पे रह जाते हैं बॉटम में, सिर्फ भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, और उस जो जीवन का जो रस है ना, वो खुशी को पा नहीं पाते हैं। तो फिर कुछ लोग आते हैं कहीं पे, वो एडवर्टाइज सुनते हैं कैसे ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है, तो आ जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, फिर मैं साधना सीखते, दुनिया का सबसे बेस्ट नॉलेज, सुदर्शन क्रिया, ब्रीदिंग टेक्निक, जिससे हमने इतने सारे मिरेकल देखे, कई सारी बीमारियों को तो मुक्त होते हुए देखा, पर उसके साथ जो वो अंदर से वो मतलब इग्निशन, ऐसा कुछ खुशी मिला जो दुनिया में कहीं नहीं मिला, वो जब पा लेते हैं तो फिर वाव क्या मिला, वो वाव फीलिंग कभी नहीं मिला, वो वहां पे आता है। फिर रेगुलर सुदर्शन क्रिया करने लगते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसा नहीं ना कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में मम्मी पापा ने हमें डाल दिया तो सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड में रह गए, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे करके ग्रेजुएट तक जाते हैं ना, तो फिर एडवांस करते, डीएसएन करते, और कुछ लोग क्या करते हैं, तो ऐसे करते करते तो सेवा में, सत्संग में आते हैं, तो रेगुलर फॉलोअप में आना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आते हैं तो देखो यहाँ पे कम 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 होते आ रहे लोग, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वहां से कोर्स करने वाले थे उसमें कम है, उसमें से रेगुलर साधना करने वाले कम है, उसमें से भी कम लोग है जो रेगुलर फॉलोअप में आते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं। अब देखो ना, सत्संग या फॉलोअप वीकली एक बार होता है, am I right? बराबर ना, हमें एक बार जाना है, तो एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बराबर, और एक दिन में 24 घंटे, तो एक हफ्ते में कितने घंटे होते हैं आप कैलकुलेट करो, 24 आवर्स एक दिन में, 7 दिन में 24 आवर्स, उसको भी मल्टीप्लाई अगर आप मिनट से करो, एक घंटा होता है 60 मिनट्स का, तो अगर टोटल कैलकुलेट करो ना, 10,080 मिनट होते हैं एक वीक में, 10,080 मिनट्स में से आप हार्डली 100 से 150 मिनट देना है सत्संग और सेवा, सत्संग और फॉलोअप को, अगर वो भी हम अगर दे नहीं पाए, किसके लिए, मेरे लिए, गुरुजी के लिए, या किसके लिए, राइट, यू माय डियर, अपनी उन्नति के लिए, अगर हम अपनी उन्नति के लिए 10,080 मिनट में से भी अगर 150 मिनट अगर हफ्ते में नहीं दे पाए, तो फिर यहीं पे फंसे रहेंगे ना। इसीलिए जरूरी है, हमें आगे बढ़ना है तो रेगुलर फॉलोअप, फिर रेगुलर फॉलोअप में आने लगते और अच्छा लगने लगता है, तो फिर क्या है, ये है खुशियां तो बांटने से बढ़ती है ना। देखो सत्संग यानी क्या, सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य संग की मस्ती। और देखो जो हमेशा सत्संग में रहते हैं ना, थॉट्स उनके प्यूरिफाई होते हैं, तो अच्छे थॉट्स, और योर थॉट्स मेक्स योर लाइफ, ये तो हमने बहुत बार सीखा है, विचारों से अपना जीवन बदलता है ना? तो वो अगर जीवन को विचारों में शुद्धता लाने, तो सत्संग में रेगुलर आना जरूरी है, और जब सत्संग में आते हैं तो विचारों में शुद्धता आती है, तब आगे बढ़ते हैं, तो लगता है कि यार सच में मैंने तो लाइफ में कुछ पाया, मुझे अभी देना है, तो देने का जस यहाँ से जब निकलता है ना मन से, तब लाइफ का उद्धार होना शुरू हो जाता है, तब लाइफ हमने रियल में जी लिया, तब हम जिंदगी भर मांगते रहते हैं ना, जब देना सीख लिया ना, तो जीवन जीना सीख लिया, सुनारी बात। तो खुशियां हर बार गुरुदेव कहते हैं ना कि खुशियां बांटने से बढ़ती, तो हमें लगता है मुझे सुदर्शन क्रिया करने से बहुत अच्छा लगा, मैं लोगों को भी बताऊं, तो यहाँ आने के बाद हम सेवा करने लगते हैं,
लोगों से ज्यादा लोगों को जोड़ते रहते, तो सेवा करने वाले लोग देखे ऐसे ऐसे ऊपर आने लगते। और यहाँ पे क्या है, मैं यही अगर हम इसको तो बोले तो दैट्स कॉल्ड गुरु मंडल, यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, या वो टॉप लेवल डिवाइन एनर्जी जिससे आप जहां पहुंचे बाद आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पे पहुंचना है तो कौन पहुंचा सकता है, ये सीढ़ी क्या है, सेवा की सीढ़ी। आज जितनी ज्यादा सेवा करते रहोगे ना, इतने आप क्लोजर पहुंचोगे गुरु के, उतने आप क्लोजर गुरु के पहुंच सकते हो। तो क्यों करना है सेवा, इन सारी चीजों के लिए। समझ रही बात सचिन भैया? बहुत सारे लोग बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत पॉलिटिक्स है, इस वजह से मैं सेवा खुल के नहीं कर पाता। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाओ, पॉलिटिक्स तो कहा नहीं है तो ये दुनिया ही पॉलिटिक्स से बनी है। तो अगर हम देखोगे ना, स्टार्ट भी देखोगे ना, तो वो सब इसी से है। तो देखो, मेरे टीटीसी टीचर आनंद देसाई ने उन्हें मुझे हमें कहा था, वो बहुत बहुत मुझे आज तक याद है। 2009 में मैं टीचर बना ना, तब मुझे कहा था, हमें कहा था, तब इस सवाल का आंसर क्या था पता है, ये आप हो, दिख रहा है सबको, सब हो ना यहाँ पे, सुन रहे हो ना, जरा देख लू सबके चेहरे, सब हो ना यहाँ पे, वीडियो तो ऑन होना चाहिए भाई, जो यहाँ पे है वीडियो ऑन करे, एंजॉय करेंगे साथ में। के ये आप हो, क्या करो, सब करो, सब सब ऐसे करो, मुट्ठी बना, ओके, ये आप हो, बोलो ये हम है, ये हम है, बराबर। और ये सराउंडिंग जो है ना, ये पॉलिटिक्स है, ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है। तो मेरे टीचर ने क्या कहा था पता है, पॉलिटिक्स आपको पॉलिश करने के लिए है, पॉलिटिक्स हमें पॉलिश करने के लिए, तो पॉलिश होके बाहर निकलो तो चमकोगे ना। समझ में आ रही बात, लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो देखो हीरा, गुरुदेव जिन्होंने भी एडवांस कोर्स किया, लास्ट सीढ़ी अगर याद करो, उसमें गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं कीड़ों मकोड़ों को नहीं चुनता हूँ, मैं डायमंड को चुनता हूँ, हीरो को चुनता हूँ, यू आर ऑल आर डायमंड। और डायमंड जितना तराशा जाता है उतना चमकता है कि नहीं, यस एम आई राइट? तो वो आपको तराशने की कला है, बस वो आपको तराशा जा रहा तो बस तराशते हुए उससे बाहर निकलो और आगे बढ़ो। पिछले कहते हैं ना, चार टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक जो है ना, वो जो है पर्सन की इच्छाएं मांगता है मांगता है मांगता है, पर उसकी इच्छा कभी कभी नहीं पूरी, कभी भी पूरी नहीं होती, जिसको हम दुर्भाग्यशाली कहते हैं। दूसरा टाइप का इंसान, जिसको इच्छा मांगता है पूरी तो होती है, पर कई सालों के बाद उसको उपभोग नहीं कर पाता। किसी को लग रहा है कि मुझे बहुत सारे स्वीट्स खाने हैं, फिर कहीं बहुत सारा पैसा कमाते, सब कुछ होता है, पर कई सालों के बाद जब खाने का मौका आता है तब पता चलता है शुगर बढ़ गया, अभी तो मैं स्वीट भी नहीं खा पाता, उपभोग भी नहीं कर पाता, वो बिल थोड़ा सा भागे, चल इच्छा तो पूरी हुई भाई। फिर थर्ड टाइप का इंसान, इच्छा मांगते ही पूरी हो जाती है, उसको क्या कहोगे आप, भाग्यशाली। देखो ना, इच्छा मांगी कि नहीं, मांगते ही पूरी हो गई, भाग्यशाली। और फोर्थ टाइप का इंसान, जिसको इच्छा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मांगने से पहले उसके लाइफ के लिए जो जरूरी है उसके पास आ जाता है, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। ये सौभाग्यशाली कौन है पता है, जो टॉप में है, गुरुदेव से बहुत क्लोज में है। और उस गुरुदेव के बहुत क्लोज में होने के लिए, सौभाग्यशाली बनने के लिए एक ही ट्रिक्स है, ओनली एंड ओनली वन, सेवा को आपकी लाइफस्टाइल बना दो। हम पिज्जा को लाइफस्टाइल बना सकते हैं, बराबर ना, हम जंक फूड को लाइफस्टाइल बना सकते हैं, मूवी को लाइफस्टाइल बना सकते हैं, पार्टी को लाइफस्टाइल बना सकते हैं, फिर सेवा को क्यों नहीं। सेवा पार्टी तो बहुत बढ़िया पार्टी होती है यार। अभिषेक भैया को पता है, हम यहाँ पे सेवा में भी इतनी मस्ती करते थे ना, ऐसा नहीं कि सेवा में बहुत सीरियसली हो गए, सेवा में भी मस्ती चलती थी, हर एक मोमेंट हमने एंजॉय किया। 2 साल शायद यहाँ पे रहे थे अभिषेक भैया, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा था पल की जब बहुत कम वॉलेंटियर थे मेरे साथ, पता है WCF था, WCF शुरू होने वाला था, और उस समय मैं एट ए टाइम मेरे पास 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, जस्ट कि तभी मुझे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर बनाया गया, तो कई सारे कॉलेजेस में कोर्सेस लेने हैं टीचर स्टाफ्स के भी और इंटरव्यू ट्रेनिंग्स के लिए स्टूडेंट्स के भी, और उसी वक्त WCF के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतर्नान में बहुत बढ़िया काम किया था सेवा, तो WCF में बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे सिंगर्स को अकोमोडेट करना है, उनको उनको कोऑर्डिनेट करना है, तो ये सारी प्रोसेस हमें करनी है, तो बहुत सारा टाइम भी देना था। और एग्जैक्ट उस समय मेरे पास वॉलंटियर्स भी कम थे, पता है उस समय वॉलंटियर कितने थे, सिर्फ दो लोग, एक था उसमें से अभिषेक जो एक्टिवली वहां पे था, और एक सुप्रिया करके, ऐसे 2-3 लोग हमारे साथ थे, एक अमोल करके, 2-3 लोग डेडिकेशन, इतने डेडिकेशन के साथ हमारा, कि नहीं कुछ भी हो जाए करना है,
और पता है उस समय एग्जैक्टली उस समय ऐसा हुआ कि तब बहुत कम टीचर्स जो थे इस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर के लिए सिलेक्ट किए गए थे, बहुत ही कम, रेयर, मतलब उंगलियों पे गिनने इतने। और तब मेरा डीवाई पाटिल में इंजीनियरिंग कॉलेज पिंपरी में मैं कोर्स ले रहा था, स्टाफ लोगों का कोर्स, स्टाफ का कोर्स ले रहा था टीचर्स लोगों का। और उसी समय हो जाता है कि मेरे पापा बहुत सीरियस हो जाते हैं, माय ग्रेट लाइफ ग्रेट ट्रू स्टोरी, कि मेरे पापा सीरियस हो जाते हैं, उनका लीवर में इंफेक्शन हो जाता है। और मेरे तब अभी क्या था, हमने बिजनेस में मैंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था उसके पड़ोस में, तब मैंने घर बिल्टअप वगैरह किया था, तो मेरे पास पॉकेट में सिर्फ, मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपये शिल्लक था, 1,000 बैलेंस था मेरे पॉकेट, मेरे बैंक बैलेंस में। और मेरे भाई ने वगैरह बताया कि अपने पास पैसे नहीं है तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वाइस, वहां पे उनका एडमिट करते, फिर जो होगा होगा। तब मुझे मेरे गुरु पे विश्वास था। अभिषेक भैया को पता है हम इतने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे कि रुद्र पूजा, हमारे पास एक रुपया नहीं रहता था, रुद्र पूजा हजार हजार लोग, मतलब पुणे की सबसे बेस्ट सबसे बड़ी रुद्र पूजा यहाँ पे तुकाराम नगर में, संत तुकाराम नगर में पिंपरी में ऑर्गेनाइज होती थी, हजार हजार लोग खाना खा के जाते थे। तो इतना था, बस हमारे पास एक ही गुरु प्रॉपर्टी रहती, क्या प्रॉपर्टी पता है, गुरु ग्रेस की प्रॉपर्टी, उसके अलावा कोई नहीं। हमें पूरा फेथ होता था कि गुरु ग्रेस प्रॉपर्टी पे, वैसे मुझे फेथ था कि मेरे गुरु मेरे साथ है तो क्या डरना है। बस मैंने फिर क्या किया, एक निरामया करके यहाँ पे हॉस्पिटल है, बहुत कॉस्टली है, फिर भी वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है, तो वहाँ पे पापा को एडमिट किया, एडमिट करके घर पे आ गया और फ्रेश होके कॉलेज में कोर्स देने गया। और जस्ट से कोर्स शुरू हुआ, कोर्स का सेकंड लास्ट डे था, और जस्ट कोर्स शुरू हुआ, डॉक्टर के 20 से भी ज्यादा कॉल्स आए मुझे, मेरे भाई के कॉल्स आए, मुझे लगा कुछ तो सीरियस है, पर मेरा एक कमिटमेंट था ना कि कुछ भी हो जाए, संकल्प हजार विकल्प पे आ जाए ना, अपने संकल्पों को तोड़ना नहीं है हमें लाइफ में, उतना फेथ उतना ट्रस्ट होना चाहिए खुद के ऊपर, टेक्निक के ऊपर और गुरु के ऊपर। तो वो था, और मैं जस्ट कोर्सेस लेते रहा, मेरे फेवरेट प्रोसेस थे लास्ट डे के, वो कराने थे आई गेजिंग वगैरह, तो इसलिए मैं बना रहा। और जस्ट जस्ट इंटरवल था ना, जस्ट वॉशरूम ब्रेक था, तब जस्ट मैंने फोन हाथ में लिया था, जस्ट डॉक्टर का मैसेज था, उसको पता था आर्ट ऑफ लिंग का पागल है, वो कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ लिंग में रहेगा। तो उसका मैसेज क्या था पता है डॉक्टर का, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ डिसाइड नाउ, यूर फादर और आर्ट ऑफ लिंग। तब मैंने पता है उनको क्या मैसेज किया, आई नो दैट आई हैव माई फुल फेथ ऑन माई गुरु, बस इतना मैसेज करके छोड़ दिया। उसके बाद 1.5 घंटा मैंने कोर्स लिया, उसके बाद वहां पे गया, और पता है ऑपरेशन के लिए 60,000 रुपीज की जरूरत थी, और अगर ऑपरेशन को एक भी घंटा अगर मतलब थोड़ा भी अगर लेट होता है ना, मेरे पापा की लाइफ खत्म, क्योंकि इतना पल्स हो गया था लिवर में, बहुत ज्यादा पल्स हो गया था, तो वो निकालना बाहर बहुत जरूरी था, लिवर बस्ट हो गया तो बचा नहीं सकते थे, इट्स डेंजरस। फिर भी मैं कोर्स लेते रहा, पता है 1.5 घंटे वहां जाने तक 70,000 रुपीज निरामय हॉस्पिटल में भर दिए गए थे उस अकाउंट में, लग रहा था 60,000, 70,000 रुपीज भर दिए गए थे, और मेरे पापा का ऑपरेशन में वहां जाने तक। सचिन भैया अभी वापस आएंगे, तब तक सब लोग बने रहिए। यस यस यस, कुछ ही देर में सचिन भैया आने वाले हैं, या आ गए तो ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, एवरी मोमेंट ग्रेटफुल रहो कोई भी सिचुएशन हो। और ग्रेटफुल देखो, ग्रेटफुल रहते ना, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, पर हम क्या कहते हैं, चलो गुरु के लिए ग्रेटफुल ग्रेटफुल है, इस यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल है, कई सारे लोग सुनते हैं, पर पता है गुरु ने आपके जीवन में जो भी डिसिपल्स भेजे हैं ना, रिसोर्सेस, उनके लिए भी ग्रेटफुल रहना आपको बहुत जरूरी है। मैं तो हूँ, 1 रुपया भी अगर मेरे लिए किसी ने खर्चा किया हो ना, बचपन से लेकर आज आज भी मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ, इसलिए मुझे मेरे लाइफ में ज्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़ते, जो भी मुझे करना है ना उससे पहले वो मुझे रिसोर्सेज अपने आप आने लगते हैं, और ऑटोमेटिकली मेरे काम बहुत अच्छे से होने लगते हैं। मैं मंत्रा चैंटिंग मशीन बनाता हूँ, आज मैंने जर्मनी में पब्लिसिटी नहीं किया ना, ऑस्ट्रेलिया में जब पब्लिसिटी नहीं करी, मेरे प्रोडक्ट आज ऑस्ट्रेलिया जर्मनी में जा रहे हैं, वो स्किल्स अपने आप कैसे आते हैं कि नहीं बाबा बहुत बेस्ट कुछ मैं बनाऊँ, ओहराइना से स्प्रे परफ्यूम बनाऊँ जिससे लोगों की लाइफ बने, ये आया कहाँ से, ओनली बाय गुरुदेव। जैसे आप सेवा सत्संग साधना में उतरते हो ना, आप इतना आपके अंदर वो क्या कहते हैं ना, वो अंदर से इग्निशन हो जाता है। देखो ना, किसी गाड़ी को आपको चालू करना है तो एक बस एक किक मारनी पड़ती है, किक मार दी फिर वो चलती रहती है, एज लाइक दैट। तो वो जो है ना, वो ग्रेटफुल रहो तो देखो लाइफ कितना बढ़िया होता है। तो हमेशा मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना कि देखो, आप लाइफ में सेवा सत्संग साधना के साथ बने रहो, फिर लाइफ सिंगा लाला कुछ सोचने की जरूरत है, तो एवरी मोमेंट एंजॉय करोगे, एवरी मोमेंट हर एक सिचुएशन, तो वो एंजॉय करना
भी आना जरूरी है। सुनारी बात, गुरुदेव कहते हैं ना, वी आर कमिटेड टू मेक लाइफ एज अ सेलिब्रेशन ऑन दिस प्लैनेट, तो हम इस प्लैनेट में उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखो ना, अभी भी मेरी माँ किडनी के डिसीज की वजह से बहुत बीमार रहती थी। तो जस्ट ऐसे कुछ ना कुछ, करो आपको पता है डायबिटीज, शुगर, किडनी, ये सारा चीज होता है, तो कितना ह्यूज अमाउंट में मेडिसिन से सारा खर्चा होता है। पर पता है मुझे कभी ऐसे अलोन फील नहीं हुआ। एवरी मोमेंट आर्ट ऑफ, मतलब गुरुदेव हर बार कहते हैं ना, आई एम विथ यू एंड होल वर्ल्ड आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली इज विथ यू। ये मैंने महसूस किया आज मेरी माँ का। पता है मेरी माँ से मुझे वो कमिटमेंट आई। मेरी माँ की कमिटमेंट क्या थी पता है, लास्ट मोमेंट तक, जस्ट 21 अक्टूबर को मेरी माँ का देहांत हुआ, पर लास्ट मोमेंट तक, लास्ट वीक में भी पता है, मतलब बेड रेस्ट में थी, फिर भी उसने फॉलोअप मिस नहीं किया। लेटे लेटे भी उसने सुदर्शन क्रिया किया, सुदर्शन क्रिया अटेंड किया। दैट्स कमिटमेंट। और ऐसे अगर कमिटमेंट अपने लाइफ में हो ना, आप लाइफ में कुछ करवा सकते हो। और उसको जो तकलीफ हो रही थी, तो गुरुदेव ने बस उसकी मुक्ति दे दी। और जैसे मैं एक्सपीरियंस बता रहा था, मेरे पापा की तो जान बच गई। उसके बाद हम जब गए, जब WCF में गए ना, तो उसके बाद 3-4 दिन के लिए हम सेवा के लिए गए थे। पता है मेरे साथ जब वॉलंटियर थे ना, जब अभिषेक, सुप्रिया और मैं, अमोल, पता हम सब वो गिनीज बुक रिकॉर्ड स्टेज है ना, उस पे एकदम टॉप में वहां पे थे। और बाकी के जो भी लोग वॉलंटियर थे ना, जो कहीं बाहर गए थे, कहीं भटक रहे थे, वो बोले थे, अरे काश हम सचिन सर के साथ तब होते, तो शायद हम भी यहाँ पे होते। तो वो चीज है, हमने बस कमिटमेंट बना के रखी और फिर वो सेवा में बनाते गए। फिर कई सारे रजिस्ट्रेशन से, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स भी हुआ। फिर उसके साथ कई सारे सिंगर्स यहाँ से, 400 से भी ज्यादा मृदंग वादक आलंदी से हम यहाँ से लेके गए थे। तो हमको उठा के कूद कूद के नाचे, तो वो बोलते ना, दैट्स अ सेलिब्रेशन। ये जीवन में कब होगा इस ईयर्स को, आप अगर हम 5 ईयर्स तो लाइफ में सीखते ही है। अभिषेक भैया है ना, अभिषेक भैया? यस सचिन भैया। हाँ, टाइम टाइम का बताना मुझे थोड़ा। सचिन भैया, एक बात मैं कहना चाहूंगा इसी मोमेंट पर कि सचिन भैया देखो, आपके साथ मैंने वॉलंटियरिंग की और भी कई लोगों के साथ वॉलंटियरिंग की। जब जाते हैं ना, तो कई लोग ऐसे बहाने बोलते हैं कि अरे शादी में जाना है, मेरे घर में रिलेटिव्स आए हैं इस वजह से, या ये। लेकिन आप एक ऐसे टीचर मिले ना, जो बोलते हो कि किसी की शादी में जाओगे, ये करोगे, सुदर्शन क्रिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो ना, कि लोग सब कुछ भूल भाल के आते हैं। सचिन भैया, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अरे घर में रिलेटिव आ रहे हैं, फिर उसके बाद संडे को मार्केट जाना है, तो फॉलो अप मिस कर देते हैं, या फिर कोई एडवांस कोर्स हो रहा हो, ये हो रहा हो, बहुत छोटी चीज के लिए मिस कर देते हैं कि चलो आज मूड ठीक नहीं है, ये है। सचिन भैया, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप जिस तरीके से मोटिवेट करते हो ना, वो बताओ, जो ऐसे छोटे छोटे रीजंस के वजह से इतना बड़ा मिस करते हैं। या नहीं, ये सच में इसीलिए बोला ना, एक एम रखो, जैसे कि कहा ना, यहाँ पे पहुंचना है हमें लाइफ में, एक ही लाइफ मिली है, बाद में वापस कब आएगा। और ये ऐसी लाइफ मिली जब लाइव गुरु मिला है, बाद में कब आएगा पता नहीं। और जीवन में ये सारी चीजें है ना, जो भी हम वो मटेरियलाइज लाइफ है या जो भी है लाइफ में करते हो, शादी, ये वो सब 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 चीज, सर चीज करनी है, पर करते करते जीवन में प्रायोरिटी आप किस चीज को ज्यादा देते हो ना, हम हमारे कोर्स में यहाँ पे सिखाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट। अगर आप ग्राफ सीख गए, तो हम पता है ना, जो नो इम्पॉर्टेंट नो अर्जेंट, मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं अर्जेंट भी नहीं, उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते, इसलिए लाइफ पे स्ट्रगलिंग है, लाइफ पे स्ट्रगलिंग के, इसके लिए हम ज्यादा प्रायोरिटी दे। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट अर्जेंट है, इसका अगर आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे ना, तब लाइफ में आगे जो चाहोगे वो पाओगे, सौभाग्यशाली बनोगे। और जैसे ही बोलते ना, ये हर देखो अपॉर्चुनिटी तभी आती है जब आप के साथ सामने ऐसे ऑब्स्टेकल आते कि मुझे ये आएगा, मुझे पार्टी का अपॉर्चुनिटी आएगा, मुझे फ्रेंडशिप आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, ये सारे सारे आएंगे, तभी अपॉर्चुनिटी आएगी, तब आपको देखा जाएगा, वो परीक्षा की घड़ी होती है, तब देखा जाएगा आप क्या चूज करते हो। आपका चॉइस आपकी लाइफ बनाने वाला है यहाँ पे, आपका चॉइस, इतना याद रखना, जैसा चॉइस वैसी लाइफ। आपको ये चॉइस है कि अभी जाके मैं मस्त पार्टी करूँ, यार मस्त, यार वहां पे पार्टी मिल रही है, मस्त खाना पीना सब कुछ, यार अगले संडे जाते, फॉलोअप तो हमेशा होते रहता है। पर पता है ना, आपका मोबाइल हर रोज रिचार्ज चार्ज करते हो कि नहीं, बैटरी रिचार्ज कर चार्ज करते हो कि नहीं,
ऐसा बोलते नहीं यार हर रोज करना ही है चार्ज, तो आज क्यों करे यार कल कर देते हैं, क्या होगा फोन क्या होगा स्विच ऑफ। तो अपने कई सारे सिस्टम है ना वहीं से स्विच ऑफ हो जाती है हफ्ते भर में। इतना सारा डे टू डे लाइफ में हमने स्ट्रगलिंग करे या कहीं ना कहीं फंसे है मटेरियल लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रेशन आता है, वो कहीं ना कहीं जमा होते हैं। घर हर कोई साफ करता है, यहाँ पे मुझे देखने दो हाथ सबका खड़ा करो, घर साफ करता है, साफ सफाई करते हो घर में, करते हो ना हर कोई घर साफ सफाई करते हो ना। तो फिर घर साफ सफाई करते हो तो ये भी इसकी भी साफ सफाई जरूरी है ना, देखो वीकली तो एक साफ सफाई करनी चाहिए। कम अगर इतने सारे फॉलोअप्स अलग अलग टाइम पे फॉलोअप्स है क्यों नहीं, एडवांस क्यों करना चाहिए। ये हमें खुद को पता नहीं मैं क्या हूं, हम खुद को पप्पू बनाए बैठे, मेरे से ये नहीं होगा मेरे से वो नहीं होगा, मैं बेचारा समझ के बैठे हम लाइफ में। यू नेवर नो व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, क्या ट्रिमेंडस पावर आपके अंदर है आपको पता नहीं है, उससे पता चलेगा। व्हाट इज अ सोम, आई एम दैट एंड आई एम समथिंग डीपर देन इट। जब आप साइलेंस में जाते हो, जस्ट उसमें एडवांस में जाते हो ना, तब पता चलता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बार 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 एडवांस कोर्स करना चाहिए, उसमें हम बने रहना चाहिए। गाड़ी की सर्विसिंग हम 3 महीने में करेंगे पर अपनी 700 की सर्विसिंग करने में पीछे हटेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है करिकुलम में जो भी आप स्टूडेंट अगर इसमें रहेंगे तो करिकुलम में आप जितना भी पढ़ते हो ना वो प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 13% काम करता है। कितना 13% काम आता है, जिसके लिए हम लाखों रुपया खर्चा करते हैं, चार चार पांच पांच साल देते हैं, पर 87% जो काम आता है सॉफ्ट स्किल्स, उसके लिए कितना परसेंट कितना खर्चा करते हैं, कितना टाइम देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर हो ना वो है आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेस। कपड़े के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे 2-3 हजार का कपड़ा खरीदेंगे पर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है। अरे आर्ट ऑफ लिविंग के लोग इतना पैसा क्यों लेते हैं, अरे देखो ना आर्ट ऑफ लिविंग के लोग कितना सेवा एक्टिविटीज में, ये योगा प्राणायाम नहीं सिखाते आर्ट ऑफ लिविंग। अरे फिर वो सेवा कुछ को मतलब ट्राइबल्स को सिखा रहे, 90,000 से ज्यादा बच्चे जिनकी कोई पीढ़ी स्कूल में नहीं उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, 48 से ज्यादा नदियों को हमने रिजेन्यूएट किया, करोड़ों रुपए वहां पे खर्चा आया, कहीं पे भी आपत्ति सबसे पहले आर्ट ऑफ लिविंग पहुंचता है, ये तो अलग बात है। पर उससे बढ़िया आप कोई जिम में जाते हो तो हर महीने तो वहां पे खर्चा देते हो, पार्टी में जाते हो, मूवी में जाते हो, वहां तो खर्चा करते हो ना। पर दुनिया की लाइफ की सबसे बेस्ट नॉलेज जब आता है, स्पिरिचुअलिटी आती है, तभी क्यों आप सोचते हो। पता है भगवान श्री कृष्ण की अगर आपने मूर्ति देखी होगी तो कैसी है, ऐसी है ना, एक पैर सीधा है। वो क्या पता है मूर्ति क्या दर्शाती है पता है, एक पैर जो सीधा है ना, आप ये जो मटेरियल लाइफ जो अपना जीवन है ना उसमें आप इस तरह से स्टेबल हो, दुनिया की कोई भी आपत्ति आए, फिर कोरोना कुछ भी हो, कोई भी आपत्ति आपको हिला ना सके, आपको हिला ना सके, आपको डरा ना सके, आपको हरा ना सके। पर ये कब संभव है, दूसरा पैर की तरफ देखो, दूसरा पैर कैसा इस तरह से, मतलब क्या है आत्मज्ञान की तरफ, वो खुद के तरफ पैर रखा है भगवान श्री कृष्ण ने। क्या कहा है, आत्मज्ञान अगर रहेगा ना, दिवा सत्संग भराइए, जो ज्ञान अगर आपके जीवन में रहेगा तब आप जीवन में कुछ भी पा सकते हो। इसीलिए जरूरी है स्पिरिचुअल नॉलेज की। एक पैर पे चलोगे लंगड़ते हुए, क्या आपने गोल को जल्दी अचीव कर पाओगे क्या, देखो चल के, चलते रहो, मत करो फॉलोअप, मत करो क्रिया, सब छोड़ दो, चलते रहो, कितने दिन तक चलोगे, थक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पर जब आप दोनों पैरों पे चलने लगोगे जल्दी गोल अचीव कर पाओगे, और उसमें भी एनर्जी बूस्टअप करके फॉलोअप की सेवा से संग साधना की एनर्जी बूस्टअप करके दौड़ते हुए भागोगे, 10 साल में आप अचीव करना चाहते हो ना वो आप 2 साल में करोगे। अभिषेक भैया का देखो ना कितने लोगों को कितने कितने साल लगते हैं सब्सक्राइबर इकट्ठा करने के लिए, 10,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर 2-3 साल में हो गए उनके यूट्यूब में। लगन होनी चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए बस, और करते जाओ फिर देखो क्या होता है। दोनों पैरों पे चलोगे ना, मतलब एक पैर के आपका मटेरियल लाइफ, दूसरा पैर क्या है स्पिरिचुअल लाइफ। और स्पिरिचुअल लाइफ मतलब सिर्फ पूजा अर्चना नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ मतलब सेवा सत्संग साधना, या इतना ही नहीं 5 S तो हमें पता है। मैं आज आपको एक गुरुदेव के और क्लोज पहुंचने के लिए 12 S बता रहा हूँ। 12 S पिछली बार भी मैंने बताया था, वापस आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको गुरुदेव के पास एकदम क्लोज पहुंचना है तो 12 S को लाइफ में उतारो और मतलब उसको लाइफ स्टाइल बना दो, देखो कैसे होता है। मतलब आपके लाइफ में जो चल रहा है ऐसे गुरुदेव को पता, मैं महसूस करता हूँ, मैं गुरुदेव जी कुछ बताने वाले वो फील होता है। और कई बार ऐसे होता है अपने फ्रेंड सर्कल में मैं बताता हूँ, अरे अभिषेक तू ये मत कर, किसी को बताता हूँ अरे ये वो ऐसा, क्योंकि हमें फील होता है कि सिर्फ आपको नहीं आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली के लाइफ में कुछ होने वाला तो आपको उनको बता सकते हो, मतलब इंट्यूशन आ जाता है कि नहीं बाबा यार तू ये ऐसा करना है तो ऐसे कर, तो आप उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या पता, सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेवा।
प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ, प्रायोरिटी वाइज सेवा, फिर सत्संग, सेवा सत्संग, फिर सेवा सत्संग, फिर साधना। ये करने से आती है स्माइल, सी मिरेकल इन योर लाइफ, स्माइल का मीनिंग। फिर ये सभी चीजों के लिए क्या जरूरत है, सदगुरु, लाइफ सदगुरु। ये पांच आते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, फिर पांच ये तो आए पर सदगुरु तो आए, फिर उसके साथ सिमरन, स्मरण होना चाहिए, कनेक्शन हमेशा बना के रखना बहुत जरूरी है, हमेशा उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, फील करो उनके साथ कनेक्शन, कनेक्शन सिमरन कहते हैं, स्मरण। फिर छठा, सॉरी हाँ छठा, ये सुबह सातवां यश है स्वाध्याय, स्व अभ्यास। हर दिन में रात को स्वाभ्यास करो कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत, कितना मैं लोगों के लिए काम आया, कितने लोगों की चेहरे पे मुस्कुराहट ले आया, क्या किया, तो वो स्वाध्याय स्वाभ्यास, क्या सही किया क्या गलत किया, वो स्वाभ्यास करो। फिर उसके बाद सरेंडर, समर्पण, जो सही है रखो, जो नहीं सही है छोड़ दो, सरेंडर कर दो, गुरुदेव के चरणों में छोड़ दो, समर्पण। फिर समर्पण होने के बाद खाली हो जाते, फिर उसके बाद क्या है कि शिष्य आयुर्वेदा को भी फॉलो करना जरूरी है। आपने देखा है शिष्य आयुर्वेद कितना टॉप लेवल पे है, कोरोना के लिए नॉक 19 हो या कबा सिर को डिनेर, कितने फास्टली हम लोगों को रिकवर कर पाए, इतने सारे अपने प्रोडक्ट है जिससे कई सारे लोगों को एम्प्लॉइज मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ऐसे प्रोडक्ट हम बाहर जो यूज करते हैं, आर्ट ऑफ लिंग का चूना यूज करें, शिशी तत्वा को यूज करें। फिर दसवां यश, संकल्प को स्ट्रांग बनाना, दसवां यश क्या है, संकल्प को स्ट्रांग बनाना। दस यश वापस हो रहा, तो सेवा सत्संग साधना स्माइल सदगुरु सिमरन स्वाध्याय समर्पण सरेंडर शिष्य आयुर्वेदा संकल्प को स्ट्रांग करना, और दो यश जो है इलेवेंथ और ट्वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सत्वा को हाई लेवल पे रखना। सत्वा को हाई लेवल पे रखते ना, वो सत्व लेवल है एनर्जी, तब आप गुरुदेव से और क्लोज जाते हो और अपनी इच्छाएं जल्दी से पूरी होती है जब सत्वा आय होता है। और ये सत्वा आय ये जो होता है ये सारी चीजें, ये 11 के 11 यश कब अपने साथ बने रहेंगे पता है, जब 12th यश आपके साथ है। 12th यश क्या पता है, संगत, ये बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है संगत। अगर आपकी संगत जैसी है ना वैसे आपकी लाइफ बनती है। अगर आप मौज मस्ती वाले ही लोगों के साथ हमेशा रहते हो ना, आपका फॉलोअप भी है ना, आप बोलोगे यार यार हर बार होता है चलो बाद में जाते, सेवा का भी अपॉर्चुनिटी आप जाते हो, ऐसे करते करते आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी, अर्निंग की अपॉर्चुनिटी वो भी आप छोड़ देते हो क्योंकि आपको आदत हो गई है सोशल मीडिया। रात को 12-1 बजे तक हम सोशल मीडिया में बने रहेंगे, पर जस्ट सेवा का भैया नहीं ना, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट रखना था पर भूल गए, एक छोटा सा पोस्ट तो एक आपका एक मैसेज, क्या पता किसके लाइफ में क्या देखे जाए। गुरु जी के इतने सारे कोर्स है आप वो रख सकते हो, कोर्सेस के पोस्टर्स रख सकते हो, हम सारी चीजें रखते हैं, पर आर्ट ऑफ लिविंग की चीजों को क्यों नहीं हम प्रमोट कर रहे हैं। जो चीज एक जस्ट आप पता है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स है जस्ट ऐसे स्टेटस पे रखा, किसी ने कुछ देखा जहां पे उसका जॉब लगा था, उसके मैनेजर ने देखा और उसका डायरेक्टली तुरंतली एक महीने के अंदर इंक्रीमेंट किया, बोला तू यहाँ पे योगा सिखाना शुरू कर देना, वो योगा का फीस तो अलग मिलेगा पर उसका भी 50,000 से 65,000 पेमेंट शुरू हो गया। देखो इंक्रीमेंट ये ऐसा ही होता है, जैसा अभिषेक भाई ने बताया अपने स्टूडेंट्स है, कई सारे एमएनसी में टॉप लेवल पे है, कई सारे गवर्नमेंट में ऑफिसर्स है। एक तो बंदा ऐसा था बिजनेस क्या लॉस हुआ तो कहीं ऐसे बैठा था, कहीं सिगरेट पी रहा था, उसको पकड़ा, उसके लिए कोर्स 6 दिन का कोर्स मैंने लिया। वो एक बंदा था और एक फ्रेशर और वो रिपीटर, कोर्स किया 7वें दिन गूगल क्लाइंट कंपनी में उसको जॉब लगा। स्टार्टिंग पेमेंट कितना था पता है, 16,000 लगन के साथ, ये 12 यस उसको बोला फॉलो करना कमिटमेंट के साथ। हम क्या करते हैं कमिटमेंट के साथ करते, कुछ दिन तक करते हैं फिर कुछ दिन के बाद फुस, और कब हम छोड़ते हैं पता है कमिटमेंट, जब अपने लाइफ पे दी बेस्ट कुछ होने वाला है ना, सुशी क्षण हम अपना कमिटमेंट छोड़ते, वो भी कब, दूसरे के लाइफ में गुजारे उसके लाइफ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, इसे कुछ नहीं होता छोड़ दो, एक छोटा सा कुछ चूहा भी हम देख लेते हैं दूसरे के लाइफ में और उस समय अपना कमिटमेंट छोड़ देते हैं, तब वो क्षण होता है एग्जैक्टली कमिटमेंट को पकड़ के रखने, और तब वो कमिटमेंट उसने भी पकड़ के रखी। और आपने देखा होगा एक साल के अंदर इंक्रीमेंट होता है, वो भी 10%, 20%, 25%, पर उसका पता है 6 महीने में इंक्रीमेंट हुआ 16,000 से डायरेक्टली 46,000 उसका पेमेंट हुआ, और अगले एक साल में आज उसका 2 साल में 1,00,000 पर मंथ 1,08,000 वो पेमेंट कमा रहा है। बस ये 12 यस को पकड़ के रखना, गुरुदेव के साथ हर पल कनेक्शन को महसूस करना, हर समय मेरे पास नहीं कुछ लोग, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इससे
वाओ, पूजा दीदी ने तो चार्ट में भी डाल दिया, आपने पूजा दीदी बहुत एक्टिव है तो उसमें उन्होंने डाल दिया 12S, इतना एक्टिव बनोना लाइफ में कोई आपको हरा नहीं सकेगा जीवन में। तो देखो एक छोटा सा एक्सपीरियंस में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम कि हम लोग समझते कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है इसलिए वैसे। एक याद रखना, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बंदा जस्ट टीनेजर से लेके जब यूथ 25 साल तक जो हस्त मौज मस्ती में बिताता है ना, उसको आगे के 50 साल रोना पड़ता है। तो ये वक्त है, अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपना सत्व बढ़ाओ, अपने लाइफ के लिए बेस्ट क्या है ना उसको बेस्ट टाइम दो, उसको प्रायोरिटी दो। हम क्या करते हैं ना मटेरियल लाइफ, अपने ये सारे फ्रेंड्स को जो भी देखो कोई आपकी प्रशंसा करे ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वही लोगों अपने को फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं। पर मैंने अभी कुछ बोल दिया, अरे तूने ये नहीं करना चाहिए था, ये तुझे कर 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 10 बार मैं बुलाऊंगा फिर उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, तो बोला यार सचिन मैं हमेशा बोलते रहते यार छोड़ दो यार। पर क्या करते हैं कोई अगर आपके को अपना दोस्त, अपना लाइफ, अपना गोल अचीवर्स, आपके गोल के लिए गुरुदेव ने रिसोर्सेज भेजे आप गोल फास्टली अचीव कर पाओ इसलिए, पर आप उसको ही थर्ड क्लास प्रायोरिटी देते हो, आपका बदले सचिन मैं हमेशा बोलते रहते हैं यार तो छोड़ दो बराबर। और क्या ये देखना, ये फ्रेंड तो मेरे को पार्टी दे रहे, यहाँ घूमने जा रहे, यार मौज मस्ती हम पूरी लाइफ बिता रहे हैं, जिंदगी भर वहीं कर रहे हैं, पर ये जो जन्म मिला है उसमें पता है गुरुदेव ने अंतरान में आए थे ना, अंतरान में क्या कहा था पता है, वी आर नॉट टेलिंग हिस्ट्री, वी आर मेकिंग इट एंड अदर्स टेल्स इट, हम हिस्ट्री बनाने वालों में से है, बताने वालों में से नहीं। अरे जीवन में ऐसा कुछ करो ना जिंदगी बन जाए। आज देखो कल परसों 27 तारीख को 4 महीने हुए मेरे माय फेवरेट माय मेंटर ऋषि जी को गए हुए, तो ऋषि जी आज इस दुनिया में भी नहीं है फिर भी हर वीक उनका कोई ना कोई सॉन्ग आ रहा है, कहीं ना कहीं अपडेट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, या कहीं ना कहीं वो आ रहे कि नहीं, आप जितने भी सब्सक्राइबर है ऋषि जी का उनको पता होगा कहीं ना कहीं नए नए उनके सॉन्ग सारे आ रहे। पर देखो ना दुनिया में ना होते हुए भी आज वो सबको दिलों में बसे हुए गान दे रहे, ऐसा कुछ लाइफ में करो ना यार, ये नहीं तो क्या है कुत्ता बिल्ली जैसे अपनी जिंदगी है, जैसे खाया पिया सोया जिंदगी बीत गई ऐसे ही खत्म, लाइफ में ऐसा कुछ करो ना। ये जब ऋषि जी की बात हो रही है मैंने एक चीज देखा है कि जिस तरीके से ऋषि जी ने सेवा का इम्पोर्टेंस बताया है वो आज तक मैं कभी सुना नहीं किसी से भी, तो उससे मुझे लगा कि अच्छा ये है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है थोड़ा किसी को देख के मुस्कुरा लिए वो खुश हो गया वो भी सेवा है, एक्चुअल में सेवा क्या है इसको इतना ज्यादा ऋषि जी इम्पोर्टेंस क्यों देते थे? या ग्रेट क्वेश्चन अभिषेक। देखो गुलाम जो डे टू डे बहुत लोग बोलते हैं अरे मैंने तो घर में खाना पकाया, लोगों को खाना खिला रहे, ये करे वो करे, ये भी तो सेवा ही कर, या यू आर राइट। पर बहुत बार गुरुदेव भी कहते हैं दान भी होना चाहिए, सत्पात्री दान होना चाहिए, उससे अपनी लाइफ बनती है। अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ना है ना, 10 गुरुदेव क्या कहते हैं 7% तो हम DSY धर्म समय होता है उसके लिए आप डोनेट करो, और 10% टाइम दिन भर में 10% टाइम सेवा सत्संग साधना को दो तो आपको लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं महसूस होगी इसलिए। तो दूसरा ऋषि जी क्या कहते थे पता है, सेवा सेवा से व्हाट इज सेवा, सेवा जैसे ईश्वर करता है वैसे, ईश्वर तो बिना शर्त आपको सब कुछ दे रहा है ना, तो हमें भी वो देना है तो देना है। पर क्या आप किसी को खाना दे रहे हो तो पल भर की भूख मिट गई उसकी हो गया, पर किसी को इस ज्ञान के पाथ पे लाओगे उसकी जिंदगी बिताओ बना दोगे तो कितना बेस्ट है ना। हमने ऐसे जाते जाते देखा था एक लड़का सुसाइड करने जाया था, उसको कोच बताया मेरे पास बहुत ट्रिक्स है, कोच में बैठ जाए, उसको कोच में बिठाया, वो बोल रहा था मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे को जीना नहीं, मेरे 2 सब्जेक्ट रह गए, मैं MCS में मुझे जीना नहीं है, रेलवे ट्रैक पे जा रहा था, उसको बिठाया कोर्स में, और आज वो IBM में प्रोजेक्ट मैनेजर है आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने के बाद। किसकी लाइफ क्या बन जाएगी यू नेवर नो। तो आपको ये मौका मिला है तो सेवा का मौका मिला यही सबसे बड़ा फल है, और सेवा का मेवा तो डेफिनेटली मिलता है, हमारे यहाँ तो हम लोग देख रहे सेवा का मेवा तो मेवा पहले मिल जाता है ऐसा है। और ऋषि जी तो ये कहते हैं ना कि देखो स्टेप वाइज जब आप पाथ पे आ गए साधना आती है, साधना करते हैं तो वैसे थोड़ा ऊपर चढ़ के जो मिलता है क्या सत्संग में, और उससे भी ऊपर टॉप टू टॉप में जो है ना वो सेवा है। ऋषि जी का कोई भी टॉक सुनो उसमें एक ही चीज उन्होंने बोला टॉप से टॉप में जो है ना वो सेवा है। तो सेवा क्या है कि लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग में लाना, सत्संग में लाना, लोग किसी तरह से जुड़ेंगे भी पता नहीं आर्ट ऑफ लिविंग के, कुछ लोग प्रोडक्ट से जुड़ते हैं, कुछ सत्संग से जुड़ते हैं, कुछ सेवा से जुड़ते हैं, कुछ लोग आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं भी आज भी अपने कई सारे सेवा प्रोजेक्ट में हैं।
तो ऐसे अलग अलग तरीके से जुड़े। देख दोस्त, शोध हमेशा साधना करते जा रहे, ऋषि का हमेशा जो क्रिया कर, कितना देर साधना करोगे? मैंने 5 परमा किया, मैंने 10 परमा किया, कितना साधना करोगे? कितना इतनी साधना करते तो वो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी को कहीं तो व्यय होना चाहिए ना। और वो देखो, अगर इस बॉटल में मैंने पानी भर के, कुछ पानी भर के कई दिनों तक ऐसा ही भरा हुआ है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, फिर वो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा कि नहीं? राइट, ओवरफ्लो होगा कि नहीं? कल जाएगा। और जो फिश कितने, देखो 10 दिन पहले का पानी भरा हुआ आप पियोगे क्या? पियोगे क्या मुझे बताओ? नहीं ना। 15 दिन भरा है पहले, 1 महीने पहले का नहीं पियोगे ना? फिर इतना वो भर के रखते हो, वो खाली भी तो करना जरूरी है। तो ये साधना से जो आपकी ऊर्जा मिली ना, वो व्यय होना जरूरी है। उसकी ऊर्जा को सेवा में यूटिलाइज करो। जब आप सेवा करते हो ना, साधना से ऊर्जा जो मिली सेवा में लगा दी, सेवा में लगा दी, तो साधना सेवा में, सेवा करने लगे तो साधना और डीप होती है, और डीप फीलिंग होता है। लोगों के कई सारे बॉडी पेन, बॉडी एक भी पता है, सेवा करके आए और साधना में बैठे और बस वो हीलिंग हो गया। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आप जब सेवा में आ गए, सेवा करके आते हो, साधना करते, उसके बाद जस्ट अपने फैमिली को ब्लेस करो। और पता है ऐसे ऐसे काम जो अटके हुए काम भी कई सालों से वो पूरे हो गए, बस गुरुदेव सेवा करने के बाद तो कनेक्शन इतना टॉप लेवल में हो जाता है ना, फील होता है कि आप बोलते हो ना कि बोलते ना कि आर्ट ऑफ लिविंग की लड़की है ना, रात को भी कितने भी देर बाहर निकल सके कि उनको पैत है गुरुदेव अपने साथ, ही सी इज नॉट अलोन। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस है, आपने सुने भी होंगे। तो बस उस कमिटमेंट के साथ रहो, तो वो रहेगी ना, तो अपने आप लाइफ पे टॉप पहुंचेगा और अपने आप गुरुदेव के साथ और फील होगा। और आप देखोगे जब सेवा में जाते हो ना, आप देखोगे गुरुदेव आपके आसपास कहीं तो है। मैं तो रेगुलर महसूस करता हूँ, कभी कभी कोई वॉलंटियर, रात को 1 बजे मैं पोस्टर चिपकाने जाता हूँ ना, तभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं अकेला नहीं, गुरुदेव साथ में। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं यू आर नॉट अलोन। वो करो एक आखिरी का एक्सपीरियंस, टाइम मुझे देखने दो जरा, आखिरी का एक्सपीरियंस बताऊंगा फिर उसका क्वेश्चन से सेशन लेते हैं। लोग बोलते मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एक बार ऐसे हुआ था, मैंने जैसे कि जो मेरा जो बिजनेस है परफ्यूम बनाना, ये सारी चीजें मशीन वगैरह, मैंने स्लम एरिया के लिए, भैया अभिषेक भैया, अभिषेक भैया, हाँ बताओ आपका फेवरेट एक्सपीरियंस है, टाइम अपने पास है ना, सब सुन रहे हो, सब हो ना यहाँ पे, या भूख लगी है, हो ना? यस 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 यस, या ओके। तो पता है एक बार ऐसे हुआ ना, बिजनेस तो शुरू किया 2 साल हुए, पर होता है ना कहीं ना कुछ अप एंड डाउन तो होते रहते हैं। तो बिजनेस पूरा कोलैप्स हो चुका था, 20-25 हज़ार डाले थे वो सारे चले गए, मेरे पास 1 रुपया नहीं था, सारा खाली। और उस टाइम को मेरे फैमिली, मतलब मेरे माता पिता, मेरे भाई वगैरह गांव में चले गए, नियर अबाउट 2011-2012-13 की बात होगी। वो मेरे गांव में कर्नाटका में चले गए थे और मैं यहाँ पे घर में अकेला था उस टाइम को। फिर जस्ट फॉलोअप भी था तो कोई एक टीचर आके फॉलोअप लेगा। और उस दिन क्या हुआ, मुझे मतलब इतना डाउन था, बहुत इतना स्ट्रेस किया, देखो बिजनेस कोलैप्स हो चुका मेरे पास, प्रॉफिट जितना भी पैसा डाउन किया, जिनके लिए निकाला वो चले गए, पैसा चला गया, कुछ भी नहीं था। तो देखो बिजनेस डाउन हो गया, एक में वही एक अर्निंग सोर्स था वो चला गया, तो क्या हालत होगा, यू नेवर यू नो दैट। और पॉकेट में एक कुछ भी पैसा नहीं है इस टाइम को, मेरे को फिर घर में ऐसे ही पड़ा था। वो संडे था तो वो वॉलंटियर तो स्ट्रांग थे हमारे पास, सब खुद से फिर उन्होंने फॉलोअप ऑर्गेनाइज किया, कोई टीचर फॉलोअप वगैरह लियो। और फिर जब वो घर पे आए थे, देखा मैं जैसा था ना, उठता था चक्कर आता था, इतना स्ट्रेस था, और खाया कुछ भी, दिन भर खाया पिया नहीं था। तो कुछ वॉलंटियर्स ने लाया, कुछ वगैरह पिया। फिर उसके बाद उसी समय मैंने 2-3 बार ना अपने स्वामी के, गोविंदा जी करके एक टीचर है, उन टीचर ने हमको, मुझे फोन किया था 2-3 बार कि ऐसे ऐसे सॉरी त्रिपुरी करके गांव है तमिलनाडु में, सॉरी कुंभकोणम करके तमिलनाडु में, वहां पे प्रतिंगरा देवी का हवन होता है जो बिजनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है जाने, तो वहां पे आ जा तो तेरा बिजनेस बढ़ेगा। मैंने तो सोचा यार मेरे पास पॉकेट में कुछ नहीं, मैं तमिलनाडु कहाँ जाऊंगा? तो बोला ये कुछ भी बोल रहे यार, फोन कट कर दिया मैंने। वापस आए फिर वो क्या बोला है कि ऐसे ऐसे युवराज करके एक लड़का है कोथुर से आ रहा है, तो उसके साथ उसके कार में तू आ जा। फिर मैंने बोला अरे आर्ट ऑफ लिविंग का कोई बंदा होता है तो हम तुरंत बेझिझक जा जाते ना, फैमिलियर है। तो उसने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी नहीं किया था, मैं उसको पहचानता भी नहीं, तो उसके साथ अकेला जाऊँ कैसे? तो बोला ये तो पॉसिबल नहीं, वो टाल दिया। ऐसे 2-3 बार कॉल आया, फिर रात को 10:30-10:15 बजे उस लड़के का, युवराज का कॉल आता है मुझे, जिसने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स भी नहीं किया। वो मुझे क्या बताया पता है फोन करके, तो अभी तक मुझे मेरे घर पे नहीं आया, हमें तो जाना है ना कल। मैं कुछ बोलूं उसके पहले वो क्या बोला पता है, क्या तू ऐसा सोचता है तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं, तू कैसे जाएगा?
क्या तुझे तेरे गुरु पे इतना विश्वास नहीं था? मेरी बोलती बंद हो गई, पर अभी तो चॉइस नहीं है, फिर निकलो। तो घर से बाहर निकला मैं, अपना बैग था, कॉलेज बैग होता है, उसमें कुछ कपड़े डाल दिए, घर से बाहर निकला, बोले जे होगा देखा जाए। घर से बाहर निकला और जस्ट रोड पे आया, हाईवे पे आया, तो फिर उसके बाद देखा, देखते कुछ लिफ्ट मिलता है क्या कहीं, तो वो जाना था मुझे कोथरूड पुणे में, नियर अबाउट 20 किलोमीटर था, तो वहां जाना है, तो कैसे जाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जस्ट पीछे लिफ्ट के लिए देखा, लिफ्ट मांगा, लिफ्ट मांगे तो देखा, तो क्या वो बंदा जो सुसाइड करने जाने वाला था, जिसको रोक के हमने कोर्स कराया था, वो कोर्स का कॉलेज का उसका लास्ट ईयर था, वो वहां पे मिला। और उसने पता एक दिन पहले कोथरूड में फ्लैट लिया था रेंट पे। देखो गुरुदेव कैसे कैसे क्या क्या कराते, दैट्स गुरु कनेक्शन। कितना भी स्ट्रेस हो, गुरुदेव के साथ अगर एटीट्यूड में रहोगे ना, तो अपने आप होता है। तो मेरा पहला ग्रेटिट्यूड हुआ उस बंदे के लिए जिसने मुझे उस कोथरूड में पहुंचाया। फिर वहां पे उस बंदे के पास, युवराज के पास मैंने खाना खाया और फिर हम सो गए। दूसरे दिन सुबह उठ के, सुबह उठने के बाद 5 बजे हमारी जर्नी शुरू हुई, होंडा सिटी कार, वो ड्राइवर और वो युवराज आगे बैठे और मैं राजा के बात एकदम लाइक अ किंग। गुरुदेव कहते हैं वॉक लाइक अ किंग एंड बी एज अ परफेक्ट सर्वेंट एज लाइक वॉक अ किंग। राजा के परा मैं एकदम पीछे आराम से बैठा हूँ, मस्त बैठ के हमारी जर्नी शुरू हुई। ऐसे करते 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 शाम को 7 बज गए, तो ड्राइवर ने क्या कहा कि अभी तो क्या हम एक जो गोविंदा जी तो हमको वहाँ पे हवन के लिए लेके जाने वाले, तो उन्होंने क्या कहा था, एक दिन हमें हॉल्ट है, हॉल्ट के बाद हमारा अमावस्या के दिन होमा करते है, तो वहां जाना है। तो इन्होंने क्या कहा ड्राइवर ने, हम तमिलनाडु में एंट्री करते, त्रिपुरी में आज रात रुकते हैं, फिर कल वहां चले जाएंगे। पर देखो ये सब जा रहे थे, ये डॉक्टर, ये क्या बोलते, वो टीचर ने भी मुझे बोला था तमिलनाडु आओ ये आओ, पर मेरा उससे कुछ लेना नहीं था। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे मिलना है तो क्या गुरुदेव से मिलना है। गुरुदेव ने मुझे कहा था बिजनेस शुरू कर, मुझे गुरुदेव से मिला, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। मेरे मन में तो इतना ही था, मुझे कुछ भी हो जाए मैं तो कभी झगड़ता हूँ गुरुदेव, तुमको जो करना है करो, मुझे तुमको मिलना है। मेरे मन में आया और मेरे आंखों से आंसू निकले, क्या करूं, पर ये तो आर्ट ऑफ लिविंग के बंदे नहीं, इनको कैसे बताओ कि आप बैंगलोर में जाते हैं, आज वहां पे रुकते हैं। बस गुरुदेव को दिल से प्रार्थना की कि मुझे आपको मिलना है बस, और सरेंडर करके समर्पण करके बैठ गया। और पता है वो ड्राइवर 10 बार उस एरिया में घुमा, वहां पे गया तमिलनाडु कर्नाटका वगैरह, फिर भी रोड गाइड होने के बाद भी वो रास्ता भूल गया। और रात को 11:30 बजे हम कहां पहुंचे पता है, मैजेस्टिक बैंगलोर रेलवे स्टेशन के आसपास। इतने कंफ्यूज हो गया वो बंदा, रात को 11:30 बजे अगर बैंगलोर रेलवे स्टेशन के पास पहुंचता है तो दूसरा चॉइस ही नहीं है ना, बैंगलोर में ही रहना पड़ेगा हमारे पास। तो बैंगलोर में होटल में रह गए, होता संडे नाइट, फिर वो वहां पे खाना खा के सो गए। मंडे सोमवार के दिन सुबह उठा तो मुझे ही पता था गुरुदेव तो आश्रम में, और आश्रम में तो गुरुदेव रुद्र पूजा लेंगे, मंडे सोमवार की रुद्र पूजा तो मिस नहीं करनी। तो मैंने पूरा बैग है ना ऐसा उल्टा किया, तो उसमें से 1 रुपए 2 रुपए ऐसे चुन चुन के मुझे 21 रुपीज मिले। कितना 21 रुपीज, मुझे तब पता था। ब्रेक जर्नी करके मैं जैसे मतलब बैंगलोर से बन सकरी से अपना आश्रम 21 रुपीज में हम पहुंच जाते आश्रम में। तो बोला जाते तो आने का देख लेते बाद में। फिर ऐसे जस्ट गया, उनको बोला कि ऐसे से मेरे गुरु स्थान यहाँ पे, मैं जाके आता हूँ दोपहर को आता हूँ। तो बोले हाँ जाके आ जा, तो बैग वगैरह लेके चला गया और ब्रेक जर्नी करके आश्रम में पहुंचा। आश्रम में चाहते ही सारा स्ट्रेस टेंशन कहाँ गायब हो गया पता नहीं। इसलिए कहते ना, मैं हमेशा बताता हूँ व्हाट इज आश्रम, जहाँ सारे श्रम कष्ट नष्ट होते हैं वो है आश्रम। तो वहां पे पहुंचे सारे स्ट्रेस गायब, फिर भागते हुए गया यज्ञशाला में। यज्ञशाला में बैठा, गुरुदेव रुद्र पूजा ले रहे हैं, रुद्र पूजा को जस्ट मैं देख रहा हूँ, आंखें बंद कर रहा हूँ। तो गुरुदेव जैसे आंखें खोलता है तो गुरुदेव ऐसे कंटिन्यू मेरे तरफ देख रहे हैं, कम थे लोग तो उस टाइम को, तो जस्ट गुरुदेव कंटिन्यू। फिर गुरुदेव देखते तो मैं आंखें बंद कर रहा था ऐसे, मतलब आई गेजिंग हमारा चालू था। आई गेजिंग करते 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 फिर रुद्र पूजा खत्म हुआ, वो खत्म होने के बाद गुरुदेव बाहर निकलते यज्ञशाला से। तो लोग गए क्या उनको गुरुदेव कि यज्ञशाला, जितने लोग अभी आश्रम में गए पता नहीं, जितने भी लोग गए तो वहाँ पे यज्ञशाला के बाद होने के गिफ्ट देते, तो सब लोग गिफ्ट लेने के लिए रुके थे और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने ऐसे कुछ क्या होता है कि अगरबत्ती कुछ उद्पत्ति था तो उसका पैकेट था मेरे पास, चलो ये एक छोटा सा वो दे देते करके मैंने हाथ में रखा, तो मेरे पास कुछ था नहीं तब। तो वो पता है गुरुदेव ने उस दिन किसी के पास से गिफ्ट नहीं लिया, भागते हुए मेरे पास आए, मेरे हाथ से वो अगरबत्ती का पैकेट किया ऐसे किया और बोला बिजनेस में अप एंड डाउन होते तो छोड़ना नहीं होता, कीप इट अप। ब्लेस किया, गुरुदेव गए, हाँ बोला फिर प्रसाद खा के जाना। तो फिर मैं गया प्रसाद वगैरह लिया, प्रसाद लेके फिर आश्रम से बाहर निकला। आश्रम से बाहर निकलने के बाद रिटर्न आने के लिए पैसे किसके पास है, नो सिंगल मनी, रिटर्न कैसे आऊंगा। मतलब चलते चलते निकलते देखते क्या होता है, शाम हो गई थी फिर भी निकला, निकलते गया बाहर, पीछे से कोई हॉर्न पे बजा रहा है। इतना ये सारा चीज बोला कौन हॉर्न पे बजा रहा है, तो पीछे देखा तो अपने आर्ट ऑफ लिविंग स्कूल की बस थी, बड़ी बस, वो पीछे से आ रही थी। उसने वो ड्राइवर ने मुझे पूछा आपको कहाँ मैजेस्टिक जाना है क्या, बैंगलोर रेलवे स्टेशन जाना है, बोला हाँ मुझे वहीं पे जाना है। तो बोला हाँ मुझे भी वहीं पे जाना है, मुझे भी वहाँ पे काम है। तो बोला ठीक है चलो आ जाओ, तो बोला चलो बैठ गया। फिर
उस बस में, उस पूरे बड़े बस में मैं और वो ड्राइवर, गुरु स्टोरीज शुरू, आई लव गुरु स्टोरीज, तो हम दोनों एक दूसरे की गुरु स्टोरीज बताते 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 जा रहे थे। उसके वाइफ पे भी बहुत स्ट्रगलिंग था, वो आठ अपनी माने के बाद उसके स्ट्रगलिंग चले गए। हाँ, तो ऐसे बताते बताते जाए तो मैजिस्टिक रेलवे स्टेशन जहाँ पे बैंगलोर मुझे उतरना था वो आ गया, और वहां पे पता उसने यू टर्न किया, मुझे उतारा और रिटर्न निकलने लगा। तो मुझे ना आपको यहाँ पे कुछ काम था ना, तो उसने क्या बताया पता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या काम था। क्या बोला पता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा मुझे क्या काम था, मैं जा रहा हूँ वापस आश्रम। तो देखो ये सब गुरुदेव का क्रिया करा था, मुझे छोड़ना था इसलिए वो ड्राइवर को एस्टेब्लिश कर दिया वहां पे, और वो ड्राइवर आके इतना दूर, इतना दो अढ़ाई घंटे का जर्नी करके वो यहाँ पे आके मुझे छोड़ के चला गया। फिर ये होने के बाद हम गए, फिर दूसरे दिन गोविंदा जी जो आए थे टीचर उनके साथ हम त्रिपुरी निकलने लगे, मतलब जहाँ पे कुंभकोणम था वहां पे जो हवन करने वाले, तो वहां पे तो उस युवराज ने पैसे भरे थे, उसको तो एंट्री मिलने वाली थी, मुझे तो जस्ट मिला, देखते मिले तो मिलो नहीं तो नहीं, गुरु ग्रेस गुरुदेव पे छोड़ दिया। तो वहां जाते ना, वहां से जस्ट पूरे कुंभकोणम में थोड़ा 10 किलोमीटर पहले पापनाश्रम का गुरुदेव का घर है। मैंने बोला हमारी पूरी जर्नी में पता 35,000 रुपीज लगे, उसमें से 1 रुपया भी मेरा खर्चा नहीं हुआ, सारा उन्होंने लगाया। तो बोले इतना पैसा खर्चा करके मैं वापस कहाँ आऊंगा, मुझे तो गुरुदेव का घर देखना है। और तब गोविंद जी टीचर क्या बोले थे, अभी तो हमें जल्दी पहुंचना है वहाँ पे, इन्होंने पैसे भरे थे तो रिसीट वगैरह लेना है, नहीं तो हमको हवन का चांस नहीं मिलेगा। पर वापस मेरे दिल में इतना पैसा खर्चा करके मैं गुरुदेव का घर देखने के लिए वापस कब आऊंगा, प्लीज गुरु जी प्लीज मुझे आपका घर देखना है, प्लीज कुछ तो करो। फिर पता नहीं वो टीचर के मन में क्या है, उन्होंने क्या बताया पता है, वो नॉन एबल पीपल को बता कोई भी हवन करना है तो गुरुस्थान से जाते ना उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। यू टर्न गुरुदेव के घर में गए और जाते हुए था वहां पे केयरटेकर से चाय लिया, इतना बड़े गुरुदेव का जहाँ बर्थ हुआ ना उस रूम में जब हम गए ना, वहां पे बैठे बैठे 2 मिनट बैठे तो आधा घंटा का पता भी नहीं चला कैसे गया, इतना डीप मेडिटेशन हुआ, डीप फीलिंग वहां पे। फिर वहां से वो पानी वगैरह पे क्या वहां से निकले, वो तृप्त होके कि गुरुदेव का घर भी देख लिया राना। और फिर वहां से निकले, फिर वहां से जब हवन में गए, हवन में मुझे भी एंट्री दे दी वहां पे, और एंट्री देने के बाद मुझे सामने बैठने का मौका मिला, वो तो जिसने पैसे भरे वो पीछे बैठा, मैं सामने बैठा। और पता है उस दिन वो जो संविदा होते बड़े बड़े लकड़ियां, बड़ा यज्ञ होता था वहां पे भैया करके, वो दूर रखे थे, वो स्वामी जी वगैरह वहां के तो था ना, वो मुझे बोले तो सामने ही बैठा था तो लाके इसमें अग्नि में डाला कर, उनको दिया कर। मुझे तो सेवा पसंद है, देखो सेवा कब कहां पे कैसा आपको फायदा देता है, वो अगर आप हैबिट बना दो सेवा का। तो मैंने वो संविदा लाता था अग्नि में दे देता था उनको, लाता देता ही करते गया, और उससे हवन बहुत बढ़िया हुआ, फिर ध्यान हुआ। उसके बाद मैं निकला ना, तब उसी मंदिर में पता है वो जो टीचर थे उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ध्यान से सुनना, सुन रहे हो सब? यस। तब उन्होंने क्या कहा पता है, और पता है ये जो यज्ञ हुआ ना निकुंभ यज्ञ, जब वो थम इंप्रेशन वगैरह करते ना, कुछ साल पहले मुझे कहा था कि ऐसे याद न करो आपके लिए फायदेमंद है निकुंभ यज्ञ, इतना पैसा भर के तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो मैं नहीं कर पाता था, जो गुरुदेव ने ऐसे कराया। और वो जो टीचर ने कहा क्या कहा पता है, जब तू गुरुदेव के सामने था ना, जब तू गुरुदेव के सामने था और यहाँ यज्ञ में था ना, तब तेरा महामृत्यु दशा योग चल रहा था, तब तेरा महामृत्यु दशा योग चल रहा था। हम टीचर के वजह से, मतलब टीचर के मुख से गुरुदेव ने बुला के जबरदस्ती करा के तुझे यहाँ पे क्यों बुलाया पता है, अगर तू घर में रहता तो शायद इस दुनिया में भी नहीं रहता, क्या पता उस स्ट्रेस में सुसाइड कर लेता, कुछ भी कर लेता। पर यहाँ पे बुलाना, वो महामृत्यु दशा योग आता है, वो गंडांतर आता है ना, कुछ भी होता है, पर महामृत्यु दशा योग से भी बाहर निकालने का काम गुरुदेव ने किस तरह से किया देखो, और मैं वहां से बच गया। तो ये याद रखना, आपके जीवन में गुरुदेव ने कोई भी डिसिपल्स भेजे है ना, वो टीचर हो आपका, कोई आर्ट ऑफ लिविंग फ्रेंड हो आपको, अगर कोई सजेस्ट कर रहा है तो प्लीज प्लीज फील ग्रेटिट्यूड फॉर हिम हर। मुझे पता अभिषेक एवरी मोमेंट, मतलब वो इतनी मेरी प्रशंसा करता है, इतना हमेशा वो देखता है ना, मैं उतना हो भी नहीं पर इतना प्रशंसा करता है। कभी वो इंटर टॉक ऑर्गेनाइज करता था ना, बोलता था आपको पता नहीं आप किसको मिलने जा रहे हो, इतना डेडिकेशन कैसा, तो वो उसका माहौल बना देता था। तो इससे भी मतलब आप जितना ग्रेटफुल रहोगे ना जो भी आपके लाइफ में है, आपका लाइफ में काम बहुत फास्टली होने लगेगा, बहुत फास्टली, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसे पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे संबंध है हमें पता भी नहीं चलता। बोलते ना ये ऐसा प्रेम होता है डिवाइन लव जो हर एक प्रेम से परे है, जिसको आप कभी समझ नहीं सकते, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, ना दोस्त, ना भाई बहन, बोलते ना गुरु बंधु सखा सब 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 होता है, तो ऐसा वो प्रेम मिलता है तो वो टॉपेस्ट से टॉपेस्ट होता है। इसलिए गुरुदेव कहते प्यार को प्यार रहने दो, उसको रिश्ते का नाम मत दो, वो प्रेम मिल जाए ना उसको बना के रखना जीवन में,
मैंने मेरे जीवन में ऐसे बना के रखे, इसलिए मुझे मेरे लाइफ के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आज मेरे वॉलंटियर्स है, मेरे साथ जो भी वॉलंटियर्स है, जो गुरुदेव के जो वॉलंटियर्स है, आज उन्होंने पता है मेरी मम्मी के जाने के बाद उन्होंने और मेरे 10th के पास, मतलब बहुत साल पहले मैंने 10th पास हुआ, वो मिलके उन्होंने मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स स्पॉन्सर किया। देखो ये इतना सब कुछ अपने आप होते जा रहा है। बस वेलनेस को लाइफ में बना के रखो, सौभाग्यशाली बनो, गुरुदेव के साथ एवरी मोमेंट आप हो, ये याद रखो। यस, कोई कुछ सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। सचिन भैया, आपने तो सभी सवालों के जवाब दे दिए और सब लोग आप महामृत्युंजय का वो यज्ञ में पहुंचे, नहीं तो जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चल रहे थे, अगर आप उस वक्त घर पे होते तो शायद ये सेशन भी नहीं होता। लेकिन किस तरह गुरुदेव ने आपको कैसे कैसे जगह से बचा के सेफ गार्ड रख के आपको इतना सबको इंस्पायर करने के लिए, एक नहीं होता, एवरी वन इज हैविंग अ मिशन, तो आपका भी ये मिशन जो है कि सब तक ये ज्ञान पहुंचाना, इससे आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो आपको भी नहीं पता। जो भी लोग YouTube में देख रहे हैं, कोई एक ज्ञान का बार, कोई एक गुरु के बारे में जब कोई चर्चा तो किसी डिवोटी तक पहुंच जाए, उसकी अवस्था बदल जाती है। कौन किस डिप्रेशन में हो, कौन किस स्टेट में हो, हमें नहीं पता, बस हमें उन तक सही नॉलेज पहुंचा देना है। बस ये कई कई बार तो ऐसा हो गया है कि गुरुदेव के फोटो तक पहुंचने से बहुत सारे काम हो गए। आपको नहीं पता सत्वा टॉक्स के पीछे एपिसोड दिखे कि एक टाइम में विदर्भ में ऐसा कहा था कि गुरुदेव का बस फोटो पहुंचा दो वहां तक, बाकी देखो कैसे जादू होता है। तो इसीलिए हमें खुल के शेयर करना चाहिए जो भी गुरुदेव के बारे में, चाहे गुरुदेव का वीडियो हो चाहे कुछ भी। एंड ये सेशन को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे सेशन हम लोग डेली कर रहे हैं। सचिन भैया, जाने से पहले दो शब्द जो आप लोगों को कहना चाहोगे। क्या अभिषेक, जाने से पहले दो शब्द जो आप लोगों के लिए कहना चाहोगे जिससे हम कंक्लूड करें। ओके, अपने रेगुलर तो दो शब्द है, जय गुरुदेव और संगचत्वम। उसके साथ इतना कहूंगा, कम वॉट में अपने संकल्प को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ, 1000 विकल्प आए तो भी आपके संकल्प को तोड़ ना पाए। अगर ऐसी जिंदगानी अगर आप जीना सीख गए तो लाइफ जिंगाला, तो फिर क्या वो मजा ही मजा है जीवन जीने में। एंजॉय करते रहोगे, ऐसे मिलते रहेंगे बार बार और हर रोज। अभिषेक भैया इतना बढ़िया कर रहे, तो सब सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाओ। और थैंक यू सो मच अभिषेक भैया, जिन्होंने, मैं ये मेरा शायद थर्ड टाइम मैं आया हूँ इस चैनल पे, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया। और आप सब इतने सुनने वाले लोग, जूम पे हो या ये जो भी यूट्यूब से सुनने वाले सभी सभी लोगों के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू वेरी 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 मच। एंजॉय योर लाइफ विद ग्रेट स्माइल। Love you lots, bless you lots. सचिन भैया, एक बार वो लोगों के कुछ प्रश्न भी अगर होंगे तो वो भी ले सकते हैं, किसी को कुछ स्पेसिफिक प्रश्न भी पूछना है। या यस, तो वो भी पूछ सकते हैं लोग। एक एक बार क्वेश्चन लेना है। इतना बढ़िया लगा सचिन भैया आपके साथ ये सेशन, एंड जब भी आप आए हो मींस एक नई एनर्जी लेके आए हो। एंड इतना जब भी कोई, जब भी मेरा दोस्त है प्रशांत, उसके साथ में डिस्कस करता हूँ तो सचिन भैया के बारे में जब भी बोलते हैं कि सचिन भैया के अंदर वो फायर है, क्योंकि एकदम ये सबके अंदर वो एक नहीं होता है, एक कुछ सेवा करने की इंटेंसिटी जगा देता है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। और इतना एनर्जी, इतना एंथुसियाज्म, शायद ही मींस इतना इतना इनोसेंस भी, सचिन भैया जो भी बोलते हैं बहुत दिल से बोलते हैं, वो दिल तक वो बात पहुंचती है। एंड रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। बाकी लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करके कह सकते हैं। एंड बेझिझक होके बात करें,
वी ऑल आर फ्रेंड्स. मैं बता, मैं कोर्सेज जितने भी लेता हूँ ना, सबके साथ अभिषेक भैया को बता एज अ फ्रेंड, 10 साल से बच्चे से लेके ना 80 साल के एजेड पर्सन के साथ मैंने वो फ्रेंड्स बना के रखे है. और यही है, इस फ्रेंडली, जितना आप फ्रेंडली रहोगे ना उतना खुश रहोगे. एंजॉय लाइफ, मस्त रहो. ओके, किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, या आपका एक्सपीरियंस ही जर्नी का बता सकता हूँ. स्टोरी सुनाना था खान सर की, एक बहुत अच्छी गुरु स्टोरी भी थी. अभिषेक, जब मैं गुरुदेव से मिलने गया तब तो बहुत गुरु स्टोरी हुई वहां पर. एक एक गुरु स्टोरी है तो वो दूसरे दिन जब गुरुदेव आ रहे थे ना, तो मुझे ना स्टेशन पे ना एक ना टीचर मिला. वो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, वो गणेश राधा जी मुझे मिले वहां. तो उसने मुझे कहा तुम्हारा होटल कहाँ है. मैंने कहा आश्रम से 10 किलोमीटर दूर है. उसने मुझे कहा तुम कैंसिल कर दो. मैं I said okay. And then you know I was really doubtful because at the hotel they told me that if you don't come before 9 p.m. we will tax you double because it is so late. And you know the session of Gurudev, the satsang ended at 7:30, so I had to find someone, you know, by car to go there because there is no bus, there is no train at 7:30. And you know when the satsang ended, I was a little bit worried. And you know what he said, Radha Ganeshji, he said to me, first eat, then we will think about your luggage and all that. I said okay, and then I eat, and then I go to the parking, and I was asking people, you know, if someone can drop me to the hotel so that I can pay at least the first day, so that I can I could avoid to pay the second day. And then you know I asked three people, and they said we cannot because we have to bring people from the hall to the ashram, and we will not be able to help you. Then I said Gurudev's names, and then I find someone. I don't know why, but I went to him, and it was a French like me, and he said that today I have nothing to do, and come. We will go to your hotel, and then I will drop you to the ashram. I was shocked, you know, because it was so busy because of the satsang, you cannot find someone to go to your hotel. That's 10 kilometers and then bring you back. And you know, he was a great devotee. He told me that he used to listen, and he, in his car there was a bhajan of Ganesh and Krishna going on, and we were having sharing good stories and all that. Answer this is a really incredible experience. Sachin bhaiya ko bhi koi na koi mil gaya, aapko bhi koi na koi mil gaya. Sachin bhaiya, aur kuch kaho please. Great Khan bhaiya, great great great. Just keep it up, aise hi bane raho. Badhiya hi badhiya hai. Yes. Wonderful, wonderful. Sachin, we are, thank you so much for this session. आपका आने के लिए और एक नया जोश जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय गुरुदेव.